मैं बता रहा हूँ, आज के वीडियो में आप लोगों को बतला रहा हूँ कि आपको अगर ट्रैफिक कहीं ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है, उसका चलान होता है, तो हम उसको कैसे देखेंगे और उसको कैसे पे कर पाएंगे। मान लीजिए आपको कोई स्टेट में होता है तो उसका अलग चलान होता है, और हाईवे पे होता है तो उसका अलग चलान होता है, और उसका अलग साइड होता है चलान भरने का। तो आप मान लीजिए आपको कोई स्टेट में हुआ तो सबसे पहले क्या लिखना है, ट्रैफिक लिख लेना है, और जिस स्टेट का होगा ट्रैफिक चलान लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे बिहार का हुआ तो बिहार लगा दीजिएगा, अगर झारखंड का हुआ है तो झारखंड का हुआ, अगर कोई स्टेट में हुआ है तो उसका भी मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो ये ट्रैफिक चलान लिख देना है, उसके बाद लिखना है यहाँ पे झारखंड लिख लिए। अब इसको क्या करना है, सर्च करना है। तो ये आपका झारखंड में कहीं भी गाड़ी पकड़ाई है तो उससे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ चलान यहाँ से आपको दिख जाएगा। ये देखिए झारखंड पुलिस ट्रैफिक चलान आया, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद यहाँ पे आना है, आपको पेमेंट सर्विस दिख रहा है, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट सर्विस यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ पे चलान हुआ है कि नहीं ये भी दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी नंबर मांग रहा है, या तो फिर चलान का नंबर जो मिला होगा उसको डाल के यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गाड़ी का नंबर डाल के किसी का चलान हुआ है कि नहीं, सो इसका ये कैप्चा आपको दिख रहा है, कैप्चा आपको डालना पड़ेगा। ये डाल के उसको सर्च करना है, अगर गाड़ी किस नंबर पर चलान होगा तो आपको दिखेगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इसका मतलब कोई चलान नहीं है, या फिर आपको जो पर्ची काट के देगा ट्रैफिक पुलिस उसका नंबर यहाँ पर चलान नंबर डाल के आप उसको यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह हो गया। अब यहाँ पे व्यू एक्ट और एक्शन देख रहे हैं, यहाँ से आपको कितना कौन सा धारा के अंदर चलान लगता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, कितने रुपये किसका चलान का आपको पे करना पड़ेगा, ये सारा आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ से सर्च कर सकते हैं सारा धारा को, कौन सा आपको कौन सा ट्रैफिक नियम तोड़े हैं, सो ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर उसका प्राइस लिखा हुआ है उतना आपको पे करना पड़ेगा, इस तरह करके है। अब आते हैं बारी, अब हमको हाईवे में अगर चलान हुआ है तो उसको हम कैसे देखेंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे गूगल में क्या करना है, सिर्फ लिखना है ट्रैफिक चलान लिखना है और उसको सर्च करना है। उसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे, ये आया ई चलान परिवहन, इसको ये वाला ऑप्शन में, अगर हाईवे में हुआ है तो यहाँ भी आपको चलान नंबर और गाड़ी का नंबर मांगेगा या डीएल नंबर, इससे आप यहां से जब अभी इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ चलान नंबर, जो भी चलान नंबर होगा यहां पे डाल देना है, यहां पे कैप्चा डाल देना है, गेट डिटेल्स, उसके बाद जो भी चलान का प्राइस होगा वहां पे का ऑप्शन आएगा, वहां से आप उसको पे कर सकते हैं। गाड़ी का नंबर से भी हो सकता है, गाड़ी नंबर डालिए यहाँ, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, मतलब कोई एक चेचिस नंबर या तो फिर इंजन नंबर डालना है, और यहाँ पर कैप्चा उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ गेट डिटेल्स, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से भी यहाँ पे नंबर डालिएगा तो आपका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। इस तरह करके आप यहाँ से जैसे खुलेगा कितना अमाउंट पे करना है, कि कौन सा रूल तोड़े हैं उसको आप यहीं से, मान लिया आपको यूपी में हुआ है, आप बंगाल आ गए हैं तो बंगाल में भी भर सकते हैं बैठ के, बंगाल का अगर काट लिया हाईवे में, स्टेट हाईवे का है, यहाँ से आप उसको पे कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पे ऑनलाइन का, वही ऑप्शन है जो ये दिख रहा है, वही नंबर डालने के बाद आपको चलान नंबर डालना है, पे का ऑप्शन आएगा उसको पेमेंट कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे चलान पे करना है, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब